brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तेजस्वी यादव लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को भी एक जगह हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रत्याशी का इंतजार करना पड़ गया। जी हां, हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव प्रत्याशी का इंतजार करते दिखे। तेजस्वी के साथ उरण खटोला से जाने की जानकारी प्रत्याशी को नहीं थी। मामला समझिए, जमुई में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद तारापुर में तेजस्वी की चुनावी सभा थी। तेजस्वी यादव ने तो भाषण समाप्त कर लिया और उड़ान भरने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर चल दिए, लेकिन प्रत्याशी रह गई मंच के पास और उसके बाद हेलीपैड में बैठकर तेजस्वी यादव को उनका इंतजार करना पड़ा। बाद में हेलीपैड से प्रत्याशी को लेने के लिए तेजस्वी यादव ने गाड़ी भेजी। इतने देर तक तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में बैठकर इंतजार करते रहे। अब प्रत्याशी कौन है ये भी समझ लीजिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अर्चना रविदास हैं, जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी। जल्दी जल्दी आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास गाड़ी में बैठी और हेलीपैड की तरफ रवाना हुई। बोले नहीं आप कोई कौन नहीं बोला। अच्छा बैठिए बैठिए गौतम जी, बैठिए 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 गौतम जी, अरे बैठे नहीं जा जा जा। अर्चना रविदास इस दौरान कहती सुनाई पड़ रही हैं कि उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें तेजस्वी के साथ जाना है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें जनता का खूब समर्थन भी मिल रहा है। उनके साथ मुकेश सहनी भी उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि जमुई से इस बार अर्चना रविदास को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है, वहीं उनके मुकाबले चिराग पासवान की बहनोई चुनावी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरुण भारती और अर्चना रविदास में जमुई में इस बार कौन बाजी मारता है और पूरे 40 सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन कैसा होता है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये तस्वीर भी जिसमें वो बैठकर इंतजार करते दिख रहे हैं अपने प्रत्याशी अर्चना रविदास का। जमुई से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।